हाय एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि हाउ टू फाइंड आर्क लेंथ। आर्क लेंथ के बारे में आज हम बात करेंगे कि आर्क लेंथ क्या होता है या इसका कहाँ यूज होता है और कैसे इसका कटबैक निकालें आप या कैसे इसका कटिंग करें, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जान जाइए आर्क लेंथ का यूज कहाँ होता है। आर्क लेंथ का यूज होता है पाइप सपोर्ट फैब्रिकेशन करने के टाइम पर यूज होता है। जैसे मान लीजिए आप वियर पैड वगैरह काट रहे हैं तो वहाँ पे ठीक है पाइप पैड कटिंग ठीक है, और सर्कल प्लेट कटिंग में आपका ये ज़रूरत पड़ता है। ये और भी अक्सर ज़रूरत पड़ता है और भी कई जगह, लेकिन मैं अभी दो तीन जगह का बता रहा हूँ आप लोग को, बस यही यूज होता है ठीक है। नेक्स्ट इसका आप लोग फार्मूला के बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन हिट कर लें। स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये ओडी मैंने बना दिया 219 mm, बोले तो 8 इंच का पाइप का ये ओडी हो गया। 48 डिग्री में आपको आर्क लेंथ जानना। आर्क लेंथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी रेडियस का एक जगह से दूसरे जगह के हिस्से को हम लोग रेडियस वाले हिस्से को हम लोग आर्क लेंथ कहते हैं। और कोर्ड लेंथ का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। आर्क लेंथ किसे कहते हैं ये आपको बता दिया, ये रेडियस वाले हिस्से को आर्क लेंथ कहते हैं। कोर लेंथ किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक, अगर ये शॉर्ट में डायरेक्टली आप ऐसे अगर मेजरमेंट करते हैं तो ये आपका कोर लेंथ हो गया। तो इसके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल भी आर्क लेंथ के बारे में से बात करूँगा। थीटा 48 डिग्री का ये दिया हुआ है ठीक है, और आर्क लेंथ मुझे मालूम नहीं है कितना होगा ये रेडियस ठीक है। और मान लीजिए 219 mm आपका ये ओडी हो गया, तो हाफ हो जाएगा ये, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ हो गया आपका 118.5 mm आएगा ये ठीक है, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा ये। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए डाटा आपका दिया हुआ है ठीक है, ओडी इक्वल टू 219 mm, सॉरी 219 mm, और थीटा इक्वल टू 48 डिग्री, या ऐसा डिग्री मान लें। अभी आपको ये कंफर्म हो गया ओडी 219 mm और थीटा इक्वल टू 48 डिग्री। अभी इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे मान लीजिए पहले एक जगह और निकाल लीजिएगा, थीटा इक्वल टू 48 डिग्री और डी इक्वल टू 219 mm ओडी हो गया इसका, और शॉर्ट ओडी हो गया इसका 118.5 mm, उसका हाफ, इसका ये हाफ हो गया ठीक है। ये आपको फार्मूला अब समझ में आएगा। तो अभी फार्मूला देख लीजिए क्या है। एल इक्वल टू थीटा पाई 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 118.5 ठीक है, या 2 पाई आर भी कर सकते हैं। फार्मूला तो एक्चुअली ये होगा आपका एल इक्वल टू थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर ओके। तो उसमें मैं ये पूरा डाल दिया हूँ, तभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो एल इक्वल टू थीटा पान 48 कर लें, ये 48 हो गया। फोर्टी एट
48 इंटू टू इंटू पाई इंटू 118.5 हो गया। सो एल इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या दिया, 48 डिवाइड बाई 360 इंटू टू इंटू पाई आप लिख लें, पाई इंटू 118.5 इक्वल टू 99.27। तो आपका आर्क लेंथ कितना हो गया, 99.27 mm। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब रेडियस में चेक करेंगे तो 99.27 mm हो जाएगा। सो एक बार मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, OD इक्वल टू 119 mm और थीटा इक्वल टू 48 डिग्री हो गया, जो कि यहाँ दिया हुआ है। OD आपका 219 हो गया, थीटा 48 और ये आपका D इक्वल टू 219 और शॉर्ट उसका हो जाएगा हाफ उसका 118.5 mm। फार्मूला आपका L इक्वल टू थीटा पंग 360 इंटू 2 पाई R, L इक्वल टू थीटा पंग 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 118, जो कि हाफ OD इधर इसका डालना है, ठीक है। थीटा मेरा 48 हो गया, 48 अपन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 118.5। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका एल इक्वल टू 99.27 आ जाएगा, ठीक है। सो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे फिर से एक ऐसी ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए।